भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महिला इकाई की एक बैठक स्टेशन रोड स्थित एबीसी मौत्सी स्कूल पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से डॉली शर्मा को चंदौसी नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस अवसर पर पिछले 10 वर्षों में महिलाओं ने क्या तरक्की की, इस पर बोलते हुए महिला सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संगीता भार्गव ने कहा, आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं और व्यापारिक क्षेत्रों में भी महिलाएं निरंतर तरक्की कर रही है। यह व्यापार मंडल परिवार की तरह है और किसी भी महिला व्यापारी को व्यापार संबंधी कोई भी परेशानी आती है, हम सदैव उसके साथ हैं और महिलाओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हैं, जिलाध्यक्ष रेखा रस्तोगी ने कहा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमेशा व्यापारी उत्पीड़न व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता चला रहा है और संघर्ष करता है और हर व्यापारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। नवनियुक्त नगर अध्यक्ष डॉली शर्मा ने कहा कि व्यापार मंडल ने जिस विश्वास से भरोसा करके मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, उसे मैं बखूबी अंजाम दूंगी और शीघ्र ही नई महिला व्यापारियों को जोड़कर संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम करूंगी। उन्होंने कहा, पहले से और अब मैं महिलाओं में लगातार बदलाव आ रहा है और व्यापारिक क्षेत्र में भी महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष प्रेम ग्रोवर ने और संचालन प्रदेश मंत्री शाह आलम मंसूरी ने किया। आज भैया हमारी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की महिला इकाई की बैठक थी, जिसमें हम लोग ने अपना नया नगर अध्यक्ष श्रीमती डॉली शर्मा जी के रूप में चयन किया है। आज उनको शपथ भी दिलाई और उनको उनकी जो कार्यकारिणी थी उसके बारे में भी उनको बताया, और हमारी जिला अध्यक्ष रेखा रस्तोगी जी ने भी उनको एक प्रॉमिस लिया कि वो पूरी श्रद्धा के संग इसमें काम करेंगे। ये आज महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं आप इस बैठक के माध्यम से? इस बैठक के माध्यम से हम हर महिला को ये संदेश देना चाहते हैं कि उनको कोई ना कोई अपनी रुचि के अनुसार अपना एक कोई भी काम चुने और उसको